फिर आ गई हूँ एक और रेसिपी लेकर के। कौशल की रसोई में आप सभी का वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ चावल के आटे और कच्चे आलू की नमकीन, जिसे आप शाम की चाय या सुबह के चाय के साथ खा सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू छील करके चार पानी में रख लिए थे, इसे कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से चारों आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करके अच्छे से धो लिए हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे, राई डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे। कद्दूकस करके रखे थे आलू उसे डाल देंगे। पानी डाल देंगे। हम पानी डाल दिए हैं इस मग से 1 मग। टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेंगे, कुटी लाल मिर्च ले लेंगे, कुटी हुई धनिया ले लेंगे, एक मैगी मसाला ले लेंगे टेस्ट के लिए। पानी में अच्छे से बॉईल आ गए हैं चावल के आटे को, धीरे धीरे करके डालते हैं, धीरे धीरे करके डालते हैं। ये लगभग 150 ग्राम चावल के आटे हैं, जितना पानी में जाएगी उतना ही लेंगे। अच्छे से भून गए हैं, थोड़ा ठंडी कर लेते हैं। चावल और आलू के आटे ठंडे हो गए हैं, चले इसे टिक्की बना लेते हैं। बड़े साइज के नींबू इतने बड़े ले लिए हैं, हाथ में थोड़ा तेल लगा करके इस तरह से चिपटा कर लेंगे। इस तरह के शेप दे देंगे, सारे टिक्की के शेप दे देंगे। इस तरह से सारे टिक्की के शेप में बना लिए हैं, चले फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पे कढ़ाई रख करके जरूरत के हिसाब के तेल ले लिए हैं।
टिक्की अच्छे से फ्राई हो गई है, निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे। सारे चावल और आलू के टिक्की फ्राई करके इस तरह से रख लिए हैं। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिवारों में शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, फूले फूले बने हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में।